खाने पे। अब बता बाबू, तसल्ली से समझा मुझे कि क्या बात है। विक्रम, थारा भाई सूरज झांसा देना सीखे, वो भी अपनी भाभी को बस अड्डे से सीधा उसके कॉलेज ले गया उसे सम्मान दिलाने के लिए। और थारे से बिना पूछे? हाँ, जानता था ना वो कि मैं उसे ना भेजूंगी, इसलिए मारे से छुपा कर लेकर गया। और वो भी कैसा झूठ सच का खेल खेला, मारे से खेल खेला मारा छोरा। अपने हाथ में जानबूझकर चोट लगाई उसने, खून बह रहा था उसके हाथ से, और मुझसे कहा कि भाभो मैं डॉक्टर के पास जाकर आ रहा हूं। विक्रम, तू तो जाने है ना बेटा कि डॉक्टर से उसे कितना डर लगे। माने तो चिंता हो रही थी बेटा कि उसके हाथ का घाव कितना गहरा होगा, पर ये ना जानती कि उसके हाथ तो उसके भीनने के सम्मान में तालियों के लिए जुड़े। कैसे कैसे बहाया उसने ये खून जो हमारी छाती से दूध बनकर उसके रगों में दौड़ रहे, कैसे बहाया उसने अपनी लुगाई के लिए। घर चल पाओ, घर चल। तो हमारे टाबर का ना है, जब से ये जादूगरनी आई है तब से सब ऐसे ही हो रहा है। विक्रम, इसके आगे तुम मासा जैसे चट्टान का भी छुरा हो गया, तुम्हारे मोम जैसे सूरज तो कहां टिक पाएगा इसके आगे। मैं घर ही सही बेटा, पर जिंदगी में छल कपट और झूठ सच से बहुत दूर रही बेटा। मैंने मैं सूरज की चिंता हो रही, ये बेचारी औरत किसी की सगी नहीं, पराठे में घी की तरह चौपड़ कर खा जावे की मारी छोरे। अब मैं अकेले की बस की बात ना है इस छोरी ने काबू में करने को, इसलिए थारे पास आए बेटा। कहीं भी कर इसकी असलियत ने सूरज ने दिखा दे। भावो, थारी हर बात सही है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कैसे भाभी ने भैया को अपनी साड़ी के पल्लू में कांटे दे दे के बांधा हुआ है। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने घर से कोई मंत्र सीख के आई है और भैया पर छिड़क रखा है, तभी भैया को फंसाया हुआ है अपने जाल में। पर ना थारे नाम के भजन गाने वाला थारे से ही झूठ बोल रहा रोज, और यही अगर भाभी बोल देगी ना कि लंदन पुष्कर में है, तो लंदन पुष्कर में ही है। कहने का ये मतलब है बाबू कि उन्हें आजकल अपनी बीवी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। पर तू चिंता मत कर बाबू, मैं ये सब होते हुए देख रहा था पर कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि बोलता तो सीधा मुझ पड़ी पड़ती। पर जब अब तू मेरे साथ है तो मैं बोलूंगा, और मैं तेरा साथ दूंगा बाबू, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा बाबू मैं, तो चिंता मत कर। ठीक है बेटा, जल्दी सोचिए। बेटा एक बात को ध्यान रखिए कि थारी और मारे बीच की बात थारी परछाई को भी ना पता चले, तो फिर लुगाई तो बहुत दूर की बात है। तू जाने ही ना बेटा कि मीना बीनी के पेट में कोई बात ना रहे, अगर अगर कोई बात खुल गई तो सूरज की बीनी सावधान हो जाएगी,
किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।